हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र, संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए। लेखक संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी। इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे, दुनिया में आमदनी के तथ्य। इट इज टाइम टू स्टार्ट लिविंग द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड। हेनरी जेम्स ऑथर। दुनिया के जाने माने वित्तीय सलाहकार व लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी पुस्तक बिजनेस स्कूल में लिखा है कि मुख्य तौर से लोग चार प्रकार से पैसा कमाते हैं, जिसे नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे ई एम्प्लॉयज, ये लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं। यस सेल्फ एम्प्लॉय, ये खुद का काम करके पैसा कमाते हैं। बी बिजनेस ओनर, ये लोग टीम व सिस्टम के माध्यम से पैसा कमाते हैं। आई इन्वेस्टर, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। लेकिन हम नीचे की तालिका में देख सकते हैं कि ई और एस वाले लोगों की संख्या 95% है तथा बी और आई की संख्या 5% है। लेकिन जब आमदनी की बात आती है तो ई और एस वाले लोगों की संख्या सिर्फ 5% तथा बी और आई की संख्या 95% है। आप कौन सी श्रेणी में आना चाहेंगे, 5% आमदनी वाली या 95% आमदनी वाली श्रेणी में? हमारे सपनों का सर्कल और हमारे आमदनी का सर्कल। सपनों का यथार्थ, बचपन में सभी के सपने तो बड़े होते हैं। जैसे जैसे बड़े सर्कल में लिखे हुई बड़ी कार, सपनों का घर, आर्थिक आज़ादी इत्यादि। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हकीकत में जब आमदनी कम होती है, तो हम अपने सपनों के साथ समझौता करके अपने मन को समझा लेते हैं। जैसे कार की क्या ज़रूरत है, पार्किंग की बहुत समस्या है, विदेश यात्रा करने की क्या ज़रूरत है, छुट्टियों में रिश्तेदारों के यहाँ जाने से ही ठीक है, आभूषण पहनने की क्या ज़रूरत है, आजकल चोर ज़्यादा है, ज़्यादा पैसों की क्या ज़रूरत है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बच्चों को कॉन्वेंट की शिक्षा देने की क्या ज़रूरत है, हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। इस प्रकार के तर्क वितर्क देकर हम अपने मन को समझा लेते हैं और अपने इनकम के सर्कल को छोटा ही रखते हैं और अपने सपनों के सर्कल को भी छोटा कर लेते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना चाहिए? साहसी लोग अपने सपनों को छोटा ना करके अपने इनकम के सर्कल को बढ़ा लेते हैं। आप क्या करना चाहेंगे, सपनों को छोटा करना चाहेंगे या इनकम को बड़ा करना चाहेंगे? अगर आप अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं और सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो यह रास्ता आपके लिए बिल्कुल सही है। सही मंजिल के लिए सही वाहन होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य चांद पर जाना है, तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि वाहन कौन सा है। हम कभी भी साइकिल या कार इस्तेमाल करके चांद पर नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर हमें अमीर बनना है, तो अकेले काम करने वाला या नौकरी करने वाला वाहन लेकर हम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि नौकरी अमीरी का रास्ता नहीं है। अमीर बनने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है। एक, आपका खुद का काम होना चाहिए। दो, समय या पैसे की समस्या नहीं होनी चाहिए। तीन, उसमें निरंतर वृद्धि होनी चाहिए और इस व्यवसाय में यह सभी गुण मौजूद है। कस्टमर की जगह प्रोज्यूमर बनने का अवसर। हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमें सामान मिलता है, लेकिन उस बिक्री होने वाले का फायदा केवल मालिक को ही मिलता है। लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के साथ ही इनका प्रमोशन करके कमाने का अधिकार भी यदि मिलता है, तो हम कस्टमर से प्रोज्यूमर बन सकते हैं और बिक्री पर होने वाला फायदा मालिक को तो मिलता ही है, लेकिन हमको भी मिलता है। प्रोज्यूमर बनने से हमें तीन फायदे होते हैं। पहला, हमारे घर पर सामान पहुंचता है। दूसरा, हमें लाभ में पार्टनर बनने का अवसर मिलता है।
तीसरा, हमें टीम वर्क में काम करने का अवसर मिलता है। यह बिजनेस कैसे करें? हमने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन यह बिजनेस हमें करना है। लेकिन चूंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हमें यह बिजनेस सीखकर ही करना होगा। हम फिर जोर देकर कहना चाहेंगे कि सीखकर करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस का, हर विभाग का, हर व्यवसाय का अपना एक सिस्टम होता है। वैसे भी चाहे फौज हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, बिजनेस हो, पायलट हो, वकीली हो, मैनेजर हो या कोई भी व्यवसाय हो, सीखना तो पड़ता ही है। हम भी इस बिजनेस को सीखकर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हम बगैर सीखे इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी हमें फूंक मार सकता है। आप विचार कर रहे होंगे कि फूंक मारने से क्या होगा, ये क्या माजरा है, इस फूंक के पीछे बहुत गुदगुदाने वाली एक कहानी है। एक बार एक गर्भवती भैंस बहुत बीमार थी। पशुओं के डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने भैंस का निरीक्षण किया और नतीजे पर पहुंचे कि इस भैंस के पेट में तुरंत दवाई पहुंचानी जरूरी है और भैंस दवाई खाने के लिए तैयार नहीं थी। इंजेक्शन से काम होना नहीं था, तो डॉक्टर साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक मुलायम रबर का पाइप लिया और भैंस के मुख द्वार में पेट तक पहुंचा दिया, मुख द्वार से पेट तक पहुंचा दिया। उस पाइप में कुछ गोली व कैप्सूल पीस कर डाल दिया। अब एक ही कार्य बाकी था कि डॉक्टर साहब फूंक मारते और दवाई भैंस के पेट में चली जाती। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब ने पाइप पर फूंक मारने के लिए मुंह लगाया, भैंस ने फूंक मार दी और सारी पीसी हुई दवाई डॉक्टर साहब के अंदर चली गई। बच्चा देना था भैंस को, अब डॉक्टर साहब का दिल बच्चा देने को करने लगा। और ऐसा ही कुछ हमारे कई साथियों के साथ होता है। वे बगैर सीखे ही इलाज करने पहुंच जाते हैं और उल्टी फूंक मरवा कर आ जाते हैं। दवाई खिलाने की जगह उल्टी दवाई खा के आ जाते हैं। वे लोग जाते हैं दूसरों को समझाने के लिए और उल्टा खुद ही समझकर आ जाते हैं। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, नीम हकीम खतरा ए जां। लेकिन हम सोचते हैं हमें इस व्यवसाय को कैसे करना है, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है, तो यह कैसे होगा? चिंता ना करें, यह सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हर कोई इस बिजनेस को कैसे करना है सीख सकता है, क्योंकि देखा जाए तो सब काम इंसान पहले सीखता ही है। उदाहरण के तौर पर धर्मेंद्र एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग करना जानते नहीं थे। सचिन खेलने से पहले खेलना जानते नहीं थे। कोई डॉक्टरी सीखने से पहले डॉक्टरी करना जानता नहीं था। ऐसे हमारे बहुत सारे दमदार लीडर्स आज बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। वे नेटवर्किंग या MLM के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने इसमें काम करने का तथा सीखने का निर्णय लिया और वे आज अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्ड को एक एक करके तोड़ रहे हैं। सक्सेस के लिए 10 मंत्र। 10 सक्सेस मंत्र या सफलता के 10 मंत्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके पाठन और उन मंत्रों पर अमल करके या उन्हें आत्मसात करके आप स्वयं में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सफलता आपके कदमों को सजदे कर रही है। आप सिर्फ धन अर्जित करने वाले अमीर नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानसिक व व्यावसायिक स्तर पर भी वास्तविक अमीर के रूप से भी जाने पहचाने जाएंगे। सुख, समृद्धि, सम्मान और ऐश्वर्य आपको पाने के लिए लालायित है। बस आपको पूर्ण समर्पण से इन 10 मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह 10 सफलता के मंत्र ज्ञान विज्ञान ध्यान और व्यवसाय के सागर से समेटे हुए अनमोल मोती है, जो आपको और आपके
अपनों के सपनों में वास्तविक और स्थायी सफलता का सूत्रपात करेंगे। हम आशान्वित हैं आप इन 10 सफल मंत्रों को अपने जीवन का अंश अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। 10 सक्सेस मंत्र। सफलता और हमारा मन। एक बड़ा सुंदर सा शब्द है सफलता, कामयाबी, उन्नति या प्रगति, ऐसे कई नाम है इसके। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है सफल बनो, कामयाब बनो। लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना? क्या मायने होते हैं कामयाबी के, सफलता के, या हम किसे सफल इंसान कहेंगे? जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में बेमतलब दौड़ते भागते इंसान ही नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहते हैं, चाहता है, उसके लिए जिंदगी के मायने क्या है? मित्रों, ये जिंदगी क्या है? आपने अक्सर इस जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होगी। किसी ने कहा कि एक संघर्ष, जिंदगी एक संघर्ष है। किसी ने कहा युद्ध है। किसी ने कहा खेल है। किसी ने कहा जुआ है। किसी ने कहा कविता है। किसी ने दर्शन कहा, यानी जितने लोग उतनी बातें। आपको क्या लगता है, जीवन संघर्ष है, युद्ध है, या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव में जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चेतना की यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा है, जिसका उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति है, सर्वशक्तिमान में समा जाना है। उस परमेश्वर ने हम सभी इंसानों को एक मकसद के लिए पैदा किया है। उस मकसद को पहचान कर उसी हिसाब से जीना हमारा कर्म है। लेकिन अफसोस की बात है, अधिकतर लोग जिंदगी की यथार्थ को नहीं समझते। वे बेमानी निरुद्देश जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। सब कामयाब बनना चाहते हैं, आमिर होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन यदि अब सपने सच नहीं होते तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं। वे जिंदगी में हर बड़ी और छोटी चीज़ों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी सफलता के लिए कभी किस्मत को, कभी हालात को, कभी खुद को कोसते हैं। ऐसे लोग जिंदगी नहीं जीते बल्कि जीवन का अपमान करते हैं। हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौतिक सुख को ही सफलता मान लेते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, क्या आप सुखी है? सज्जन ने कहा, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, लाखों रुपए बैंक में है, गाड़ियां है, नौकर चाकर है। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्या आप सुखी है? फिर उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास 3-3 कंपनी है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, इसलिए कह सकता हूँ मैं सुखी हूँ। मैंने उनसे कहा, लेकिन आपके चेहरे पे तनाव है, शरीर में थकान है, आंखें बताती है कि आप ठीक से सो नहीं पाते। उन्होंने कहा, भाई कंपनी के काम कर इतने हैं कि हम ठीक से सो ही नहीं पाते, थक जाते हैं। तो क्या हुआ, सफलता तो है, सुखी तो है? असल में ऐसे लोग दुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। असल में ऐसे लोग सुखी नहीं होते, सफल नहीं होते। और अगर आप भी इसे सफलता समझते हैं तो माफ़ कीजिए, मगर आप गलत हैं। भौतिक सफलता के साथ साथ नैतिक सफलता बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। मित्रों, मैं आपको सफलता के कुछ ऐसे सफल और कारगर सिद्धांत बताऊंगा, जो आपको खुशहाल, कामयाब और संतुष्ट बनाएंगे। इन सिद्धांतों पर चलकर आप स्वयं
खुद के और दूसरों के जीवन की दिशा और दशा बदल देंगे। यकीन माने, इस बिजनेस से जुड़े सभी लोग डायमंड के पद तक पहुंचना चाहते हैं और यह जिद होनी भी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप अवश्य डायमंड अचीवर बनेंगे। यह बुक आपकी कामयाबी के लिए ही तो बनाई है। इसे बार बार पढ़े, इसे बार बार सुनिए, समझे और वैसा करने की कोशिश करें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, बस खुद पर विश्वास करें। यूं भी अपना ना हाल रखा करो, ठीक से देखभाल रखा करो। जिंदगी रोज मरती रहती है, थोड़ा इसका ख्याल रखा करो। मेरा एक प्रिय सवाल है जो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, तो बड़ी हैरानी होती है कि उनके पास इस सीधे से सवाल का जवाब ही नहीं होता। सवाल बहुत छोटा है परंतु गंभीर है। सवाल है, क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा है? कोई वक्त, कोई पल जब आप सिर्फ अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपने स्वास्थ्य, अपने धन दौलत के बारे में सोच रहे हैं? मैं जानता हूँ, नहीं सोचा। मुझे मालूम है हर व्यक्ति सोचता तो है, लेकिन दूसरों के बारे में वो सोचता है। माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, समाज, देश और दुनिया की खुशहाली, सुख समृद्धि के बारे में। जिंदगी की फिल्म जिसके हीरो आप स्वयं हैं, वह कैसा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या शौक होंगे? मुझे तो लगता है यदि आप इस हीरो की एक दो बात पर फोकस कर ले तो आप सब कुछ बदल। यदि आप इस हीरो की एक दो बात पर फोकस कर ले तो आपका सब कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। इस हीरो को महान बनाइए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। खुद को जानने समझने का समय किसके पास है? बड़े ताज्जुब की बात है, 2-5% लोग ही ऐसे हैं जो स्वयं के बारे में सोचते हैं। बड़े मज़ेदार बात है कि सफलता का प्रतिशत भी इतना ही है, 2-5%। आप सफल होना चाहते हैं तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके लिए अपने मन को एकाग्र करें अभी से तुरंत। यदि संसार का हर इंसान अपनी सफलता, अपनी खुशी के बारे में एकाग्र मन से सोचे तो हर कोई सफलता को जाएगा, सफल हो जाएगा। मन क्या है, इसे कैसे एकाग्र करें? आइए मैं आपको मन के बारे में बताऊं। ये 2 अक्षरों से बना शब्द मन बड़ा ही चमत्कारी है। यह कुछ भी कर सकता है। समस्त धर्मों के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि मन को साधकर हम संसार का कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक या भौतिक। यह मन की शक्ति ही थी जिसने किसी को देवता, किसी को संत, किसी को पैगंबर, किसी को तीर्थंकर बना दिया। सारे आविष्कार, सारी खोजे इसी मन की शक्ति की देन है। मन के सही इस्तेमाल से कोई भी साधारण से असाधारण बन सकता है। महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्ति थे, मगर अपने मन को साधकर वे विश्व के महानतम व्यक्ति हो गए। उनके पास कौन सा धन था, सिपाही या अलादीन का चिराग था? कुछ भी ना होने के बावजूद उन्होंने आज़ादी की जंग में महानतम काम किया। इसी मन की शक्ति की बदौलत महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था जो वो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र और गांधारी को सुना देते थे? वो मन की शक्ति ही तो थी। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता? उन्हें कभी उनकी लंबी टांगों और खराब आवाज के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वे अपमानित होते थे, लेकिन मन की शक्ति से उन्होंने अपनी विफलता को सफलता में बदल दिया। ऐसे लाखों उदाहरण है प्राचीन ग्रंथों में, आविष्कार की दुनिया में,
बिजनेस जगत में या इस बिजनेस में, मन की शक्ति, मन की यह शक्ति आप सबके पास है। समान रूप से आप मन को साध कर दुनिया बदल सकते हैं, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। आपका मन बिजली की तरह है, जिसका आप उपयोग तो करते हैं, देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही हम मन को नहीं देख पाते। मन कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर की क्षमता उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर से होती है। यदि कंप्यूटर में ज्योतिष का सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर ज्योतिष की गणना कर पाएगा। यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसमें है तो अकाउंटिंग कर पाएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा यह उसी की गणना शुरू करता है। मन भी एक कंप्यूटर की तरह है। विज्ञान कहता है कि आप इस कंप्यूटर में कभी भी कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। खुश रहने का सॉफ्टवेयर, कामयाब होने का सॉफ्टवेयर, आप मन के बदौलत दुनिया में राज कर सकते हैं। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास दो मन है, एक बाहरी मन, दूसरा आंतरिक मन। एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन। एक जागृत मन, दूसरा अर्ध जागृत मन। यह चेतन और अवचेतन मन हिमशिला की तरह है। जब हिमशिला पानी में तैरती है तो सिर्फ 10% भाग ही दिखता है, 90% भाग पानी के अंदर होता है। ठीक वैसे ही हमारा जागृत मन है, जिसका 10% हिस्सा हम महसूस करते हैं और 90% हिस्सा जो अर्ध जागृत मन है उसे हम अनुभव कर पाते हैं। हमारा जागृत मन जब हम जागते हैं तभी काम करता है। यह तर्क करता है, डरता है, सोचता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है, तर्क नहीं करता है, सोचता नहीं है, सृजन करता है। जागृत मन सपने देखता है, अर्ध जागृत मन उसे पूरा करता है। हम अपने पूरे जीवन में सिर्फ 10% जागृत मन से काम करते हैं और अर्ध जागृत मन जिसके पास 90% शक्ति है उसे हम जान ही नहीं पाते। मित्रों, यही अर्ध जागृत मन सफलता के द्वार तक ले जाने वाला साथी है। इसकी शक्ति को पहचानिए, फिर देखिए आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप तैयार है डायमंड बनने के लिए? हाँ, तो यह रहा डायमंड बनने का पहला सफल मंत्र। पहला मंत्र, विश्वास करना सीखे। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। नजर जो बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की भला जरूरत क्या? आप सभी अचीवर बनना चाहते हैं तो विश्वास करना सीखिए। पूरा विश्वास, अपनी सोच पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आपसे पहले हुए डायमंड अचीवर पर विश्वास कीजिए, अपनी संस्था इस बिजनेस पर विश्वास कीजिए। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं पा सकते। विश्वास कीजिए, आप भी सफल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अविश्वास शब्द अपनी जिंदगी की किताब से निकाल फेंकिए। विश्वास आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है और अविश्वास गुमनामी के धरातल पर भी पहुंचा सकता है। और ख़ास तौर से आप इस बिजनेस पर विश्वास कीजिए। मित्रों, अक्सर आप विश्वास से ज़्यादा अविश्वास पर विश्वास करते हैं। आपको ज़्यादातर लोग यह बताते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई व्यवसाय है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। यह एक सच है कि जब भी कोई नया विचार दुनिया में आता है तो उसका विरोध होता है, क्योंकि वह सबसे अलग होता है। जब कंप्यूटर भारत में आया तो सब ने उसका विरोध किया। किसी ने कहा इससे लोगों का रोजगार छीन जाएगा, किसी ने कहा यह बेकार की मशीन है। लेकिन आज सारा देश इसी कंप्यूटर क्रांति के रंग में डूबा हुआ है। आप सोचिए, एक कमरे से शुरू हुई एक कंपनी
सिर्फ कुछ सालों में इस देश की एक कामयाब कंपनी बनकर उभर ही है। ये एक ऐसी संस्था है जो एक नहीं बल्कि कई उत्पादों के साथ सफलतम व्यवसाय कर रही है। कॉर्पोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके साथ काम कर रही है और करना चाहती है, क्या ऐसी बुलंदियों को छूने वाली सिक्योर लाइफ सेफ शॉप संस्था पर आप विश्वास नहीं करेंगे? हमारे बिजनेस को करीब 1 करोड़ से भी अधिक लोगों का विश्वास हासिल है। रोज नए नए पदों पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार डायमंड बन रहे हैं। आप इस सच से इनकार नहीं कर सकते। विश्वास के पेड़ में ही सफलता के फल लगते हैं। प्यारे साथियों, आप रूबी और अचीवर को देखें, उनमें कितना आत्मविश्वास है, जोश है, उमंग है, उम्मीद है, चाह है, सकारात्मक सोच है। आप गौर से अपने आसपास के रेड क्लब अचीवर को देखें, वह सपनों में भी आत्मविश्वास नहीं खोते, अविश्वास नहीं करते। हजारों व्यस्तता के बावजूद वह खुशी से, लगन से, विश्वास से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही जाते हैं। दूसरी ओर आप ऐसे लोगों को भी देखिए जो नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों पर अविश्वास करते हैं, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। आप यदि अचीवर बनना चाहते हैं तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सफल और एक्टिव अपलाइन टूल्स, रिकमेंडेड बुक्स पर विश्वास करें। विश्वास की शक्ति को और बढ़ाइए। अपनी सफलता पर पूरा विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यही विश्वास आपको अचीवर जरूर बनाएगा। आपने इसे पूरा सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।